कोई जख्म तो कोई घाव देता है। ये समाज हमें अपने हिसाब से नाम देता है। कोई राधा को पूछता है तो कोई लक्ष्मी को मानता है। ये समाज हमें अपने काम के अनुसार मान देता है। अरे मनीष, यस चल ना यार, सूटा मारते हैं। सर बस 2 मिनट सर, बहुत अर्जेंट मिले सर। अरे छोड़ ना यार, चल ना, कितना काम करेगा, चल। सर अगर ये मेल नहीं किया ना तो अपनी अचार मैनेजर हिना है ना, जान ले लेगी, पीछे पड़ी हुई है। इनवॉइस मेल नहीं किया तो है ना सैलरी काट लेगी, ये वो पता नहीं टैं, परेशान करके रखा है सर। अरे ये हिना कहाँ से आ गई, उसको तो निकाल दिया था बॉस ने ना। सर आप बहुत भोले हो, आपको पता है उसको कोई नहीं निकाल सकता, असली औरत है वो, असली औरत। पता है क्या हुआ, बॉस के केबिन में गई, 4 टसवे बहाए, फिर क्या था, बॉस का दिल पिघल गया और वापस रख लिया काम पे। चल तो छोड़ ना यार, छोड़, अपना मूड खराब मत कर, चल। बस 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 सर, ये ना डन। अरे सर वो अपना लवर बॉय कहाँ है, एडमिन? अरे वो पहले ही इतना बड़ा सुटेरी है, वो पहुंच गया उधर सुट्टा पीने, आ चल। अरे 2 मिनट सर, इसको लॉग आउट करें। हाँ आ, चल 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 चल। थैंक यू, आप ले आए। तो आदित्य कैसे चल रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी भाई? बहुत बढ़िया चल रही है बस। शादीशुदा या शादी फंसा? क्या बात कर रहे हो पंकज जी? अरे यार, अरे पंकज भाई। हाँ, ऐसा क्या पढ़ रहे हो जो इतना मुस्कुरा रहे हो भाई? अरे कुछ नहीं यार, एक मैसेज आया जिसमें लिखा है हैप्पी वुमेन्स डे। अरे वाह, और एक कविता भी लिखी है, सुनोगे क्या? जरूर जरूर। हमारे हौसलों को कम कर सके दुश्मनों की इतनी औकात नहीं, घुट घुट के जीना खत्म हुआ, अब नया सूरज आया है, हम नारी के लिए नई उमंग, नया रंग, नई किरण बुलाया है। अब बताओ ऐसी कविता पे हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगा? यार इसमें हंसने की क्या बात है पंकज, अच्छी कविता तो लिखी है। हाँ भाई, हम कब कह रहे हैं खराब लिखी है। ऐसा आदित्य जी, हम सबको पता है आप तो हो ही जोरू के गुलाम, तो आपको तो कविता अच्छी लगेगी ना। यार बात जोरू के गुलाम की नहीं है, बात देश की महिलाओं की है, वो अपना ध्यान रखना जानती है खुद ब खुद। आप समझ नहीं रहे हैं, अरे आदित्य की ना अभी नई नई शादी हुई है तो बीवियों के प्रति उनका झुकाव है और कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन बाद जो है ये सीधे हो जाएंगे। एकदम बराबर बोले मनीष जी। ऐसा है आदित्य जी, आपकी शादी को अभी 6 महीने हुए हैं और मनीष जी की शादी को 2 साल हो गए। हाँ भाई, तो इनका झुकाव तो सीधा हो गया और आपका अभी बाकी है, आपका भी हो जाएगा जल्दी। यार मैं अपनी बीवी की बात नहीं कर रहा था, मैं पूरे समाज, पूरे देश की महिलाओं की बात कर रहा था। और वैसे भी छोड़ो यार, सिगरेट खत्म हो गया, चलिए चलते। अरे हाँ यार, बॉस ने मीटिंग रूम में बुलाया, चलो। चलिए चलिए चलिए, वैसे भी टाइम ओवर हो गया, नहीं तो ये हिना ना इनवॉइस नहीं दिया, ये नहीं किया।
इस वाले में ये पेंडिंग है अभी। अब आप भी वो मैन। अरे यार अब इसका क्या मतलब हुआ रे? अरे मैन का मतलब होता है पुरुष, और महिलाओं के नाम में भी पुरुष ही है। बिना हमारे ना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और बात करती है फेमिनिज्म की, क्यों मनीष? बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से पंकज जी, वुमन में ना मैन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो औरतें हैं ना वो आज सारा काम, मतलब हमारे बिना, मतलब एक आदमी के बिना सारा काम कर सकती है। वो घर के साफ सफाई करती है, वेजिटेबल्स कट करती है, झाड़ू पोछा करती है यार। और बताऊं, चाहे कितनी भी तकलीफ में हो एक औरत, चाहे कितने भी दर्द में हो, सब कुछ सह लेती है। आदि कितना समझता है औरतों को। इसको ना औरतों के लिए खड़ा होना चाहिए, पता है? ये नई नई शादी का असर है। यार मेरे है ना कहने का मतलब वो नहीं। हाँ, मैं तो मतलब कि जो है ना वही बता रहा हूँ आपको। मुझे समझ नहीं आता यार, ये लोग औरतों पे अत्याचार कैसे कर लेते हैं। आदि, इंसान अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता है। वो कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। गेट बैक टू द वर्क। बहुत जरूरी होता है। 6 महीने का प्यार है, थोड़ा चलेगा। ये ऑफिस वाली कौन है? अरे छोड़ ना रे, होएगी कोई, चल पानी पूरी खा। बहुत बढ़िया बनी है। पते की बात बताता हूँ। हाँ। पूरी में जो पानी है ना वो तीखा है, फिर भी इसका असर कम है। वैसे ही जैसे मेरी बीवी में फेमिनिज्म का असर ज्यादा नहीं है। पूछो क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि हमने दबाव बना रखा है। बीबी पे अगर दबाव बना के रखोगे ना तो कंट्रोल में रहेगी। जैसे इस पानी पूरी में दाल है, मीठा पानी है, कांदा है, सेव है, चाट मसाला है। हाँ। और तीखा पानी है, फिर भी तीखे पानी का असर कम है। वैसे बीबी को ना जब घर गृहस्थी के काम में उलझा दोगे ना तो उसका फेमिनिज्म कभी जागता ही नहीं है। क्या बात है, सीखो, ये है अपने गुरु। तुम यार रह गए यहीं पे। जय हो, जय हो, जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी। हमारी पानी पूरी खा के बताइए कि आपका क्या विचार है इसके बारे में। बताइए ना सर, इसके बारे में बताइए ना। लीजिए लीजिए मनीष, तुम्हारा जो पानी पूरी है ना वो मिक्स है। अब मिक्स है मतलब, समझा नहीं मैं। तुम्हारी शादी कुछ समय हो गया, तुम्हारा जो तुम्हारी बीबी के ऊपर जो कंट्रोल है ना वो थोड़ा बढ़ रहा है। उसको ना थोड़ा बना के रखना। और एक बात और ध्यान रखना। हाँ। बीवी को ज्यादा सोशली एक्टिव मत होने देना, वरना बहुत पछताओगे। जैसे हम नींबू का इस्तेमाल करते हैं ना तीखा काटने के लिए, वैसे ही थोड़ा थोड़ा नींबू मारा करो यार, कंट्रोल में रहेगी। गुरुजी ये बात करिए अपने पते की, ये बात ना हम कांट बांध के रख लेते हैं, समझे? थैंक यू फॉर द सजेशन। एनी टाइम यार। सीखो कुछ, तुम सारा यहीं रह गए पानी पूरी में ही। पंकज जी जरा हमारी पूरी देख के बताइए ना इसमें क्या है। अरे हाँ यार,
लाओ जोरू के गुलाम, तुम्हारा पानी पूरी चक के देखते हैं। यह बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको चेक करिए। तुम्हारा पानी पूरी इतना तीखा क्यों है यार? क्यों पंकज जी, हो गया सब धुआं धुआं? तेरी बीवी इतनी शांत है यार, और तेरी पानी पूरी इतनी तीखी, थोड़ा मीठा खाया कर यार। पंकज जी मैं हूं ना तीखा। ओह माय गॉड, सही बात है। खैर छोड़िए, मुझे थोड़ा मार्केट में काम है तो मैं चलता हूँ। अरे घर सब्जी लेकर जानी होगी ना। भाभी ने मैसेज किया है ना, अर्जेंटली थोड़ा जल्दी बुलाया घर, समझते नहीं है आप पंकज जी। भगवान करे यार तुम एक दिन राजा बन जाओ। हम राजा ही हैं पंकज जी। जान देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। ये क्या है? खुद ही देख लो। टना वो पुरानी वाली टूट गई थी ना जान। तभी तो दूसरा लेके आए हैं तुम्हारे लिए। इसमें इसमें डरने की क्या बात है यार? कल मजा आया था ना, आज भी मजा आएगा। हम राजा ही हैं पंकज जी। अब उम्मीद भी साथ छोड़ रही है, हर रात एक आह छूट रही है। मैं बताना चाह रही थी घर की बातें, लेकिन सारी बातें भीतर ही छूट रही हैं। दूंगी पलट कर जवाब शायद मैं भी किसी दिन, इसी चुप्पी में मेरी आवाज टूट रही है।